शाहजहांपुर थाना पुलिस व डीएसपी भिवाड़ी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गैंग का पर्दाफाश करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया और उनसे अवैध मादक पदार्थ की कुल 1290 टैबलेट जब्त की। थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह के मिशन 100 के तहत प्रभावी कार्रवाई करते हुए मैं जाप्ता तस्कर बबलू पुत्र प्रेम सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी सुखचैन थाना भाववाला जिला फाजिल्ला पंजाब लवप्रीत सिंह पुत्र सरजीत राय सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी पक्की टंकी थाना कब्रवाला जिला मुक्तसर पंजाब को कुल 1290 अवैध नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर लोकेश बैरवा औषधि नियंत्रण अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई दवाइयों का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा था और संग्रह एवं विक्रय करना NDPS एक्ट 1985 की धारा 8/21 व 8/22 के तहत दंडनीय है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से नशीली दवाइयां जब्त कर NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। कल दिनांक 26/2/2022 को सूचना मिली कि जयपुर से दिल्ली हाईवे पर दो संदिग्ध व्यक्ति जो नशीली दवाओं को लेकर के पंजाब को जा रहे हैं, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे दोनों लड़कों को दस्तयाब किया गया। उनके पास नशीली दवाई मिली, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया जा करके दवाइयों की जांच करवाई गई। दोनों के पास जो दवाई मिली थी वो प्रतिबंधित दवाई थी, जो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा NDPS एक्ट में आना बताया, जिस पर दवाइयों को जब्त की तथा दोनों बंदे बबलू निवासी सुखचैन जिला फाजिलका एवं लवप्रीत सिंह जिला मुक्तसर पंजाब को गिरफ्तार किया गया।